Hi guys, I'm your host Chimba and you're watching Classic. तो आज हम बात करने वाले हैं फूड ब्लॉगिंग के बारे में इंडिया में कुछ तो बोलना था तो पहले एक क्लिप देखो एंड देन वी डिसाइड कि क्या बात करना है ओके अब मैं उनको पीछे से कवर करूंगा भाई सो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं दो बंदे लोग बाइक चला रहे हैं इट इज अ टीवीएस अपाची RR310 एंड अ BMW RR310 बट जिस तरीके से वो चला रहे हैं ना इट्स नॉट फूड ब्लॉगिंग और इट्स नॉट इवन समथिंग दैट यू शुड डू ऑन द रोड्स तो थोड़ा आगे वीडियो देखते हैं एंड मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ एंड व्हाई आई वाज सो ट्रिगर्ड वाचिंग दिस वीडियो ओके तो भाई BMW फुल पावर भाग रही है जो आता है ना तब ना उसे बोला नहीं जाता क्योंकि सारे भाई मेरे बाइक का जो गियर है ना भाई वो थोड़ा सा अटक जाता है यार ओ भाई आज होनी है हाइपर राइड यार तगड़ी वाली आज काफी ज्यादा रश भी है और काफी ज्यादा मजा भी आएगा बाइक बनाने का पर करूंगा भाई ओ ओ ओ भाई 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 जैसे ही वो बोलता है कि मैं रैश चला रहा हूँ एंड समथिंग समथिंग ही सेज एंड ही जस्ट रैम्स इनटू अ कार ओके कार सामने है तुम गाड़ी देख सकते हो तुम गाड़ी में जाके ठोक देते हो ठीक है फाइन हिज फ्रेंड्स रश टू पिकिंग अप गुड जॉब ओके वो सब करना ही चाहिए अभी गाड़ी ठोकी तो उसको क्या रास्ते में नहीं छोड़ सकते ठीक है बात यहाँ पे नहीं खराब होती बात खराब होती है ये बंदा दोनों बंदे वीडियोस अपलोड कर देते हैं अपने क्रैश के एंड दे आर नॉट इवन रिमोर्सफुल कि भाई तेरे वजह से किसी और की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है एंड देयर लाइक प्राउडली शोइंग कि RR310 को डैमेज नहीं हुआ वो सामने CNG गाड़ी को डैमेज हुआ अरे भाई कहना क्या चाहते हो यार वो बंदा ना टैक्सी वाला होता या कोई भी होता भाई वो मेहनत करके कमा रहा है तुम तो जॉय राइड में निकल रहे हो तुम लोग गाड़ी ठोक के निकल जाओगे गाड़ी का हालत देखो यार मतलब BMW पे नहीं लगी इतनी जितनी गाड़ी पे लगी है देखो यार पूरी मतलब गाड़ी खत्म हो गई है देखो मतलब यहाँ पे घुसे और ये देखो भाई डेंट कितना बड़ा है यार तो गाड़ी पे ज्यादा लगी है यार इतनी BMW पे नहीं लगी ये क्या चीज है भाई 2 days later his bike is seized cops I don't know क्या मांडवली होता है उनका बाइक छोड़ देते भाई भरे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है वो बंदा उससे इंश्योरेंस के पेपर नहीं मांग रहा है एंड ये बंदे बोलते हैं कि मैं बाइक राइडिंग करता हूँ मैं मेन ट्रिगर कहाँ हुआ मालूम है आई शोड इट टू अ फ्रेंड एंड ही वाज लाइक भाई क्या सरस राइडिंग कर रहा है मोटर ब्लॉगिंग कर रहा है तू भी ये कर एंड लाइक आर यू क्रेजी नहीं यार ये मोटर ब्लॉगिंग नहीं है मुझे मोटर ब्लॉगिंग करनी नहीं आती बट ये मोटर ब्लॉगिंग नहीं है एंड टू माई सरप्राइज दिस चैनल हैज सो मेनी व्यूज सो मेनी पीपल कमेंटिंग प्लीज गेट वेल सून ब्रदर आई होप ही इज फाइन अरे भाई वो गधे जैसी गाड़ी चला रहा था तुम्हें समझ में आ रहा है गधे जैसी गाड़ी चलाना ये बिना मिरर के काट कूट करके गाड़ी चलाने को राइडिंग नहीं बोलते जो असली मोटर ब्लॉगिंग है या फिर जो बाइक राइडिंग बेसिक बाइक राइडिंग भी है ना वो शांति से की जा सकती है ये जो कर रहे हो ना तुम ये नहीं है बाइक राइडिंग नो हेट टू दिस गाय बट तू जो कर रहा है ना इट्स नॉट वर्थ द व्यूज समवेयर डाउन द लाइन आई फील हम देखते हैं हम व्यूज देते हैं दैट्स गुड बट देयर शुड बी अ लाइक्स डिसलाइक्स बेस्ड मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब वेयर ये समझ में आया कि कंटेंट गंदा है टर्न ऑफ करना चाहता हूँ ये कह के कि भाई चलाते वक्त ना सामने वालों की भी इज्जत करो तुम बाइक चला रहे हो 300 cc की गाड़ी है तुम्हारी गाड़ी आसानी से स्पीड पकड़ लेती है तुम्हें उसे कंट्रोल करने आना चाहिए काट कूट करना इज नॉट कंट्रोल करना तुम्हें उस स्प्लिट सेकंड में सामने अगर गाड़ी दिख रही है उसे ब्रेक करके रोकने को भी आने को स्किल्स बोलते हैं इट्स नॉट लाइक कि तुम भाई पीछे के टायर या ब्रेक मार के रोकोगे इट्स नॉट स्किल्स भाई तुम्हें क्या पता कब तुम्हारा सस्पेंशन बोल दे और तुम गिर जाओ सिंपल सी बात है भाई सिटी में चलाते वक्त या फिर भरे रस्तों में चलाते वक्त प्लीज गाड़ी मत भगाओ खाली रोड पे 200-300 क्या जितना मारना है उतना मारो बट भरे रोड में जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे प्लीज गाड़ी ऐसे मत भगाओ ये कह के मैं ये वीडियो साइन ऑफ कर रहा हूँ आई होप यू गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल उसे हैंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है आई नो बहुत ट्रिगरिंग है बट डू नॉट गो एंड कमेंट उनका वो लोग देख लेंगे आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू गाइस कि ऐसे काइंड ऑफ लोग भी है तो अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो जस्ट बी केयरफुल एंड इफ यू एनकाउंटर समवन लाइक दिस प्लीज मेक श्योर दैट यू शो देम देयर प्लेस
With that said, this is Clutch Up. I am Chinmay. Thank you guys for watching.